ओके, तो हमने बात की थी पेक्टोरल रीजन मसल्स की, स्कैपुलर रीजन मसल्स की और बैक सुपरफिशियल मसल्स की, ठीक है। अब हम इनसे रिलेटेड जो भी क्लिनिकल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेक्टोरेलिस मेजर की, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल है उसका क्या नाम है, दैट इज़ नोन एज पॉल एंड सिंड्रोम, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अनकॉमन, ठीक है, लेकिन ये रेयर नहीं है। मोस्टली जो हमारे पास चिल्ड्रन हैं और यंग लेडीज़ हैं उनमें ये देखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एब्सेंस होती है पेक्टोरेलिस मेजर की, स्पेशली इट्स एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। क्या होता है हमारे पास कि एब्सेंस होती है पेक्टोरेलिस मेजर की, स्पेशली इट्स एक्सटर्नल पार्ट जो कि स्टर्नम में से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉल एंड सिंड्रोम है, होता ये क्यों है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की रेडिकल मैस्टेक्टमी हुई है, ठीक है, रेडिकल मैस्टेक्टमी आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के केस में पूरी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और पेक्टोरल मसल्स को भी रिमूव कर दिया जाता है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो रेडिकल मैस्टेक्टमी के दौरान भी हमारे पास जो है पेक्टोरेलिस मेजर का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये रीज़न आ गई, ठीक है, दूसरे हमारे पास कुछ अनकॉमन रीजंस हैं, ठीक है, कॉजेज हमें इतने क्लियर नहीं हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेक्टोरेलिस मेजर मसल एक साइड का प्रेजेंट है, ठीक है, एक साइड का भी ये एब्सेंट हो सकता है, दोनों साइड का भी ये एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस लेफ्ट साइड का पेक्टोरेलिस मेजर जो है वो एब्सेंट है, तो क्या होगा कि जो ब्रेस्ट का निपल होगा उसकी पोजिशन मोर इन्फीरियर देन नॉर्मल होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं रफ सी बनाऊँ, ठीक है, आपको पता है कि सेकेंड से लेकर सिक्स रिब तक हमारे पास ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है ट्रांसवर्सली, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो निपल की नॉर्मल पोजीशन है वो यहाँ पे है सेंटर में, ठीक है, तो क्या होगा कि पेक्टोरेलिस मेजर की एब्सेंस की वजह से ये निपल मोर इन्फीरियर होगा देन दी नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पॉल एंड सिंड्रोम की, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑब्वियसली के जो पेक्टोरेलिस मेजर के फंक्शंस थे नॉर्मल, लाइक एडक्शन एंड लैटरल रोटेशन, ठीक है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन ऑफ दी शोल्डर जॉइंट, ठीक है, वो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर पाएगा शोल्डर जॉइंट। फॉर एग्जांपल इसी लेफ्ट साइड का पेक्टोरेलिस मेजर एब्सेंट था, ठीक है, तो ये जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, इसकी एडक्शन भी वीक होगी, इसके अलावा एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ठीक है, बाकी सारे मसल्स तो कंपनसेट कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो रोल इसने प्ले करना है, ठीक है, तो जो हमारे पास मूवमेंट्स हैं वो वीकन हो जाएंगी, ठीक है, इतना इफ़ेक्टिवली एडक्ट नहीं हो पाएगा, ना लैटरल रोटेशन हो पाएगी और ना हमारे पास जो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो पाएगी आर्म की, ठीक है, वीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो इसके और इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थी, और जो दूसरा जो मूवमेंट की जो वीकनेस थी, ठीक है, ये हमारे पास एक साइन आ गया। जो हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं कि ब्रेस्ट हाइपोप्लेजिया हो सकता है, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट हाइपोप्लेजिया का मतलब है कि नंबर में कम होना, ठीक है। तो हमारे पास अक्सर ये देखा गया है कि निप्पल जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा एब्सेंस हो सकती है 2 to 4 रिब सेगमेंट्स की, ठीक है, इसकी भी एब्सेंट देखी गई है, ठीक है, और हमारे पास लंग हर्निएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो पेक्टोरेलिस मेजर है उसकी एब्सेंस के साइंस हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट हाइपोप्लेजिया हो सकता है, सेकंड से लेके फोर्थ रिब्ड एब्सेंट हो सकती है और लंग हर्निएशन हो सकती है। तो ये हो गया जी पॉल एंड सिंड्रोम। अब हम देखते हैं कि अगर वी हैव स्टडीड द मसल्स, ठीक है, और हमारे पास इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग नर्व्स हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली मसल्स तो पैरालाइज होगा, लेकिन उससे क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेशंस हो सकती हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर थोरैकोडोर्सल नर्व डैमेज हो जाती है तो क्या होगा कि सेराटिस इंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेराटिस इंटीरियर को सप्लाई कर रही है, ठीक है, एक सेकेंड,
ये हमारे पास हैं जी सेराइटस इंटीरियर, ठीक है। इनको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। अच्छा, जो हमने पढ़े थे स्कैपुला के से रिलेटेड क्लिनिकल्स, ठीक है, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी विंग्ड स्कैपुला वाली, ठीक है। अगर हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाती है, इंजरी हो जाती है किसी भी वजह से, अगर बुलेट लगी है, ठीक है, कोई इस तरह का वूंड लग गया है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर हो गया, तो ऑब्वियसली सेराइटिस इंटीरियर की पैरालिसिस हो जाएगी। और इसके नतीजे में होगा क्या कि हमारे पास जो स्कैपुला है, ठीक है, उसका जो मीडियल बॉर्डर है और इन्फीरियर बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द थोरेसिक वॉल मूव करेगा। लाइक अगर जो नॉर्मल पोजीशन है, एक सेकेंड, वो इस तरह की प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडीज़ में प्रेजेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ बाहर को निकल जाएगा, ठीक है। जब पेशेंट से कहा जाएगा कि वो अपने बाजू दीवार पे फुली जो है वो दीवार पे रखे और फुली उनको फोर्स करे, ठीक है, दीवार को पुश करने की कोशिश करे, तो हमें ये जो विंग स्कैपुला है वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएगा, ठीक है। जो मीडियल बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर हैं हमारे पास स्कैपुला के, वो अवे फ्रॉम द थोरेसिक वॉल होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे डोर्सल साइड पे, ठीक है। तो दिस इज़ दी विंग स्कैपुला जो कि हमारे पास सेराइटिस इंटीरियर के पैरालिसिस के केस में आता है, और वो भी किस वजह से होता है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी की वजह से, ठीक है। और हमारे पास जाहिर ही बात है कि अगर सेराइटिस इंटीरियर, ठीक है, इसके पैरालाइज होने की वजह से एक तो विंग स्कैपुला तो होगा ही होगा, दूसरा इसका जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, वो भी इफ़ेक्ट होंगे। तो ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो इस तरह से देखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि बुलेट्स वगैरह से भी लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा नाइफ़ अगर लग जाए, ठीक है, तो नाइफ़ से भी लॉन्ग थोरेसिक नर्व का डैमेज हो सकता है, या फिर अगर एक्सीडेंट हुआ इतना स्वेयर, ठीक है, इस पोजिशन पर, तब भी लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास स्पाइनल एसेसरी नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा? स्पाइनल एसेसरी नर्व जी सप्लाई कर रही होती है ट्रेपीजियस, ठीक है, तो स्पाइनल एसेसरी नर्व अगर डैमेज होगी तो हमारे पास ड्रॉप्ड शोल्डर आएगा, ठीक है। इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मैं बता देती हूँ, ठीक है, कोई भी अगर इसी तरह की इंजरी आ जाती है, ठीक है, कोई बुलेट लग जाती है या फिर कोई ट्यूमर है, ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड बायोप्सी हुई है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है एट दी दिस पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास स्पाइनल एसेसरी नर्व है उसकी इंजरी होगी और ट्रेपीजियस मसल हमारे पास पैरालाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रॉप्ड शोल्डर होगा, ठीक है, शोल्डर जो है वो नीचे की तरफ ढलक जाएंगे, ठीक हो गया। ये था हमारे पास स्पाइनल एसेसरी। अब जो थोरैको डोर्सल नर्व है हमारे पास, वो किसको सप्लाई कर रही होती है? लेटिसमस डोर्साई को, ठीक है, तो इसकी अगर इंजरी हो गई है तो क्या होगा के पर्सन अपना जो ठीक है ट्रंक है ऊपर की तरफ मूव नहीं करा पाएगा, यानी हाथ ऊपर की तरफ जो है वो नहीं मूव करा पाएगा, जैसे कि क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, माउंटेनियर्स हैं और उन्होंने क्लाइंबिंग करनी है, ठीक है, तो अगर उनकी थोरैको डोर्सल नर्व इंजर्ड है तो ऑब्वियसली वो क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेटिसमस डोर्साई अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। स्पाइनल एसेसरी नर्व डैमेज थी तो क्या हुआ था? ट्रेपीजियस पैरालाइज हुआ था, और क्या हुआ था? ड्रॉप्ड शोल्डर हो गए थे, ठीक है। अगर हमारे पास थोरैको डोर्सल नर्व डैमेज होगी, सॉरी इंजर होगी, तो क्या होगा कि लेटिसमस डोर्साई का पैरालिसिस होगा, एंड ऑब्वियसली क्या होगा कि क्लाइंबिंग जैसी मूवमेंट्स में पर्सन अपना ट्रंक ऊपर की तरफ रेज नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर डोर्सल स्कैपुलर नर्व की इंजरी हो जाती है, जो कि किनको प्रोवाइड कर रही होती है? रोम्बॉइड और लिवेटर स्कैपुला को, ठीक है, रोम्बॉइड मेजर और माइनर दोनों को कर रही होती है और लिवेटर स्कैपुला को कर रही होती है, ठीक है, तो इनकी इंजरी होती है तो ये भी अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। अच्छा, इसी तरह अगर एक्सिलरी नर्व का डैमेज होता है, तो एक्सिलरी नर्व हमें पता है कि डेल्टॉइड को सप्लाई कर रही होती हैं। एक्सिलरी नर्व का डैमेज होगा तो फर्स्ट 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन तो सुप्रास्पाइनेटस परफॉर्म कर देगा, लेकिन मज़ीद जो एबडक्शन डेल्टॉइड ने परफॉर्म करवानी थी वो नहीं करवा पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो एक्सिलरी नर्व है वो एक सेंसरी नर्व भी दे रही होती है, सेंसरी ब्रांच भी दे रही होती है, डैट इज़ लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, ठीक है, तो इसकी एक्सिलरी नर्व के इंजर होने की वजह से क्या होगा कि सेंसरी लॉस भी हो जाएगा ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म, सॉरी
मैंने उसको करना था और हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लेटरल साइड ऑफ द आर्म है, ठीक है, इस जगह पे इधर सेंसरी लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। मोटर लॉस तो हुआ ही हुआ कि डेल्टॉइड पैरालाइज हुआ, और साथ ही साथ क्या हुआ, सेंसरी लॉस भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वजह से था, एक्सिलरी नर्व के डैमेज की वजह से। अच्छा जी, इस तरह हमने पढ़े थे रोटेटर कफ के चार मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीबीज माइनर एंड दी सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, या किसी बुलेट की वजह से, ठीक है, कोई इधर इस पोजीशन पे स्पेयर ट्रॉमा लगा है शोल्डर जॉइंट पे, तो क्या होगा कि इन टेंडन्स का रप्चर हो जाएगा, ठीक है। टेंडन्स जब रप्चर होंगे तो अपने इंसर्शन पॉइंट से हट जाएंगे, और ऑब्वियसली जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट का, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस पोजीशन पे जाहिर बात है कि शोल्डर जॉइंट रैंडमली मूव कर सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, तो डैट इज़ डेंजरस, ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे भी मूव करेगा तो नीचे भी ये जो नर्व्स ब्लड वेसल्स हैं उनकी इंजरी कर सकता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास हार्मफुल कंडीशन है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ओल्डर पीपल में ये देखा गया है कि उनकी जो रोटेटर कफ है वो डीजेनरेटिव टेंडनाइटिस ऑफ द रोटेटर कफ की वजह से होती है, ठीक है। डीजेनरेटिव टेंडनाइटिस का क्या मतलब है कि रोटेटर कफ के जो टेंडन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी डीजेनरेशन हो गई, ठीक है। तो वर्क के साथ साथ हो सकता है कि ओल्डर पीपल में इतनी ज़्यादा डीजेनरेशन थी कि उनकी अपने इंसर्शन पॉइंट से वो निकल गए, जिसकी वजह से रोटेटर कफ इंजरी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लिनिकल्स थे रिलेटेड टू दी मसल्स, ठीक है, पेक्टोरल रीजन मसल्स, कैपुलर रीजन मसल्स एंड दी सुपरफिशियल बैक मसल्स।